आई एम फाइन। कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया जी। नमस्कार। नमस्ते जी। लक्षराज, लव यू टू मीट यू। नमस्ते नमस्ते। आप लेंगे कुछ चाय? नहीं नहीं, ले लिया हमने ऑलरेडी, जूस लिया अभी। अच्छा, थैंक यू सो मच। इस समय हम पैलेस में हैं और मेवाड़ के प्रिंस हमारे साथ हैं। लक्षराज जी नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे बारे में भी दे देते हैं जी। हमारा यूट्यूब चैनल, हम पिछले 6 साल से ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा पूरा ऑफिस आपको लेके बड़ा जो है वो चर्चित हुआ हुआ है। थैंक यू सो मच। मेरे को जो है वो सिखाने की, बताने की पूरी कोशिश करी कि तो जब मैं आपके सामने आऊँ तो मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा दिखा। ओह गॉड, आई कांट बिलीव। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी, तो उन्होंने मेरे को पूरी अच्छी तरह समझा, इतने एक्साइटेड है पीछे से कि मैं आपको अर्ज नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप उदयपुर पधारे, आपने वक्त निकाला, हमारे से मुलाकात करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। तो हमने जर्नी की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से करी। हम लोग 24th को वहाँ थे लास्ट मंथ। अच्छा। 2 दिन चित्तौड़गढ़। अच्छा। फिर हम लोग उदयपुर 4 दिन के लिए आए जी। फिर हम यहाँ से वापस कहीं आप निकले थे उस टाइम पे, आपका दिख दौरा। जी जी करेक्ट। तो फिर हम काफी आपके वीडियोस वगैरह भी देखे थे, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, झील में, तालाब में, और आप इंस्टाग्राम और हम फेसबुक में पोस्ट कर रहे थे। तो हम फिर उदयपुर से कुंभलगढ़ चले गए जी, और कुंभलगढ़ से हम घूमते घूमते जवई चले गए, और जवई में हमने कल लेपर्ड सफारी मॉर्निंग में करी। अच्छा। और कल रात को हम यहाँ पर पहुँचे जी। जी अच्छा, अरे वंडर। तो आपकी कोई साइटिंग वगैरह हुई लेपर्ड वगैरह? नहीं, लेपर्ड विजिबिलिटी तो नहीं हुई, लेकिन एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था। अच्छा। अमूमन लोगों को वहाँ पर दिखता है ये, जो जितना जो मैंने सुना है या लोग वहाँ पर आए या मैं जब कभी गया तो वहाँ पर जो है अक्सर अमूमन जो है लोगों को स्पॉटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, सब लोग बोल रहे हैं हम जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा। सीरियसली, हमने ने वाइल्ड लाइफ सफारी हमने इंडिया में जगह जगह की है, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अलग था। तो मैं ऐसा सोचता हूँ मन में कि जैसे आप कॉलेज में रहे होंगे तो लोग तो जानते हैं कि यू आर प्रिंस ऑफ मेवाड़। तो ऐसा होते हुए क्या कुछ ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स की तरफ से फ़र्क आपको कभी महसूस हुआ? तो बहुत बार क्या होता है ना कि सर, जो आप लोग देखते हैं या जिस नज़रिए से आप लोग देखते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे नहीं नहीं कुछ और कर रखा होगा, बट कई बार क्या होता है ना कि वो आदमी के खिलाफ भी काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि हवा के खिलाफ चलने वाली बात हो जाती है। हालांकि उसमें मुझे आनंद बड़ा आता है क्योंकि जो चीज़ें उड़ी हैं ना वो हवा के खिलाफ ही उड़ी हैं। हवा के साथ तो लोग बहे हैं, मतलब जो है जिसमें जान होती है, जिसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जज्बा या जान अगर होगी तो वो हवा के खिलाफ उड़ने के लिए सक्षम होगा, नहीं तो वो बेजान अगर होगा तो वो हवा के साथ में या पानी, चलते पानी के साथ में बह जाएगा। और बहने वाली चीज़ें अक्सर लाशें होती हैं, और जिंदा लोगों के अंदर तो विनम्रता और जुजारूपन और कर्मठता जो है वो होनी चाहिए। तो ये क्या है कि ईश्वर की मेहरबानी से एक कम उम्र के अंदर ही जो है स्कूलों के अंदर ही जो है वो लोगों को इस चीज़ के बारे में सीखने को काफ़ी कुछ मिला। तो जो सच्ची दोस्ती हुई वो भी तब हुई, अच्छी खासी जो लोगों के साथ में नहीं बनने वाली बात हुई वो भी तब हुई, और जो खेलने कूदने का भी जो आनंद था और मैदान के ऊपर भी जो काम करने का आनंद था उसका भी स्वाद अलग था। तो जो दोस्त मेरे हकीकत में बने ना, जितने क्लासरूम में नहीं बने उतने मेरे खेल के मैदान पे बने, क्योंकि किताबों को तो हमने अक्सर जो है चेहरे पे रख के सोने का जो है वो काम किया, क्योंकि लैपटॉप को और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, किताबों को चेहरे पे रख के सोया जा सकता है। तो उसका जो है आनंद अगर किसी ने लिया है ना तो उसके अंदर मेरी मतलब पूरी तरीके से PhD है। आपकी फेवरेट स्पोर्ट क्या? क्रिकेट। क्रिकेट आप अभी भी खेलते हो? कभी कभार। अच्छा, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल, या अभी जो है कुछ दोस्त लोग मिल जाते हैं, कुछ जो यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो फ्री टाइम के बाद में जो है वो खाली रहते हैं या नहीं कुछ कर रहे होते हैं तो उन लोगों को भी बुला लेते हैं, तो उनका भी जो है अच्छा हो जाता है। तो एक परिवार के तौर पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अब फिट रहने का जो है वो तरीका यही रह गया कि अब कोई वो हम लोग थोड़े से जो है जिम के थोड़े से कम शौकीन हैं, हम खेल कूद के थोड़े से ज़्यादा शौकीन हैं, तो कुछ करना हो तो खेल कूद के अपन जो है वो कर लें। तो हम लोगों को जो है खेलने कूदने का बड़ा शौक है, तो उस हिसाब से जो है कोई भी स्पोर्ट होगा तो कर लेंगे, स्विमिंग हुई तो स्विमिंग पूल में चले जाएंगे, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेल लेंगे, तो कम से कम ऐसी कोई चीज़ हो, थोड़ा बहुत कभी हॉकी खेल लेंगे, टेबल टेनिस खेल लेंगे, तो आदमी की हर तरीके से जो शारीरिक जो चीज़ है वो जो है चलती रहे। बाकी जगह इतनी बड़ी है, जो आदमी क्या है कि खूब चलता फिरता खूब रहता है, तो चलने का काम हमारे खूब होता है, तो उसके अंदर बड़ा आनंद रहता है। एक चीज़ बताओ, अभी मैंने क्योंकि 13-14 days में बहुत सारा ट्रैवल किया, बड़े सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करी और हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना जी। और मेरी टू बी ऑनेस्ट हिस्ट्री वैसे कमज़ोर है, लेकिन 12-13 दिन में दैट मेक्स टू ऑफ अस, दो लोग हो गए। लेकिन पिछले 12-13 दिन में सफ़र करके ना मेरे को मज़ा आने लगा है, मैं आपको बड़ा फ्रेंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मतलब नॉट अबाउट द डेट्स एंड ईयर्स कि इस डेट और इस ईयर को ये हुआ, बट इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए, उन चीज़ों को समझने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एक मैं मन में सवाल है कि जैसे ऐसा कहीं मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि आपका जो डायनेस्टी है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिविंग डायनेस्टी है। ऐसा मैंने भी पढ़ा। मैंने पैलेस के अंदर ही पढ़ा था। तो
आज जो पुराने लोग हैं मेवाड़ के जी, वो आपके परिवार से या दरबार से कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखते होंगे जी, तो उसके लिए आई एम श्योर आप लोग एक्टिविटीज़ भी करते होंगे जी, तो कुछ दो या तीन ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। देखिए सर, क्या है ना कि वन ऑफ द पिलर्स, एक जो खास तौर के ऊपर जो स्तंभ रहा है मेवाड़ का, हमेशा से सेवा भाव का रहा है। और उन चीज़ों के बारे में जो है, खैर लोग उस चीज़ के बारे में कहते भी बहुत कुछ हैं, पर उसके अंदर जो है कि हम लोगों ने उन चीज़ों का प्रचार प्रसार बहुत कम किया, पर जो काम करने थे वो काम होते रहे और उसका एक अलग ही अपना एक आनंद है। तो आज की तारीख में भले ही अगर अपन बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस चीज़ के अंदर हम लोगों ने खूब काम किया है। आज की तारीख में फ़ौज को लेकर और वॉर विडोज़ को लेकर जो है, उन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने जो है वो खूब काम किया है। देखिए, आलोचनाएँ तो सब करते रहते हैं, हालाँकि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक बने नहीं हैं, काम करने वालों के, मेहनत करने वालों को ही है जो याद किया जाता है। तो आज हम इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि ये कार्य जो है हम लोग इतने वर्षों से कर रहे हैं और लोगों का प्यार सहयोग जो है वो मिलता रहता है। आज भी हम लोग दो संस्थाएं चलाए हैं जिसके अंदर तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे बच्चियां जो है वो पढ़ रहे हैं, तो वो कार्य कर पा रहे हैं, लोगों तक इस चीज़ को पहुँचा पा रहे हैं। ये एक मतलब हम लोग मानते हैं कि एक अच्छा काम है जो चीज़ ज़मीन के ऊपर हो रही है। बाकी देखिए जो चीज़ें हैं वो सामने, एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं जिनमें मतलब एक 1200-1300 साल पुरानी बातें हो रही हैं, तो उन्होंने भी जनरेशन बाय जनरेशन अपने बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताई कि आपको बड़े होके इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, जिसको हम धरोहर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोर वैल्यूज़ बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। जैसे अब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि कुछ भी सिचुएशन हो, कितनी एडवर्स हो, सच ही बोलो, मतलब उसको हाइड करने के लिए झूठ मत बोलो। सही बात। तो ये एक वैल्यू हो गई फैमिली सिस्टम में मिली। ऐसे कुछ 3 या 4 वैल्यूज़ आई एम श्योर ज़्यादा होंगी, बट की वैल्यूज़ जो एक ही है। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, जो एक आपने बात फरमाई जो उसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे कि हम लोगों को भी बताया, जो आज इतना लंबे समय से जो एक इतिहास चलता हुआ आ रहा है वो एक ही चीज़ के ऊपर चलता हुआ आ रहा है कि अपने स्वाभिमान के साथ में जो है कभी भी समझौता नहीं किया। कोई भी देखिए, मतलब पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियाँ मेरे दिल दिमाग में, मेरे जहन में इस वक्त आती हैं, जो इस मेरे हिसाब से सवाल का बखूबी आपको जवाब देंगी। और उसमें सारी क्वालिटीज़ या जो सिखलाई है बड़े बुज़ुर्गों की, जो बताई जाने वाली बातें होती हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। बहुत खूबसूरत। तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ें आ गई सर, मतलब आज की तारीख में वही जो मैंने आपको पहले बात अर्ज़ करी कि अपने स्वाभिमान के साथ में कभी भी जो है वो समझौता नहीं किया, और जो काम किया दूसरी चीज़ों के अंदर भले ही हम लोगों ने जो है वो चीज़ों को तय कर लिया, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ कहीं स्वाभिमान की बात आ जाए कि उसको कहीं दहली पे ले जाके रखने की आवश्यकता पड़े, तो ऐसा काम कभी भी किसी ने भी नहीं किया। और वो अगर काम आप नहीं करोगे तो बखूबी अपने आप ही बाकी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो ठीक पर ठीक चलती जाती है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ईमानदारी से, वो सब उसके साथ ही आ जाता है। वो सारी चीज़ें अगर आप में वो एक एट्रीब्यूट आ जाएगा, तो सेवा का भाव हुआ, लोगों की मदद करने का कार्य हुआ, वो सारी चीज़ें इस सोच के साथ में आ जाती हैं। फैंटास्टिक। उर्दू काफ़ी अच्छी बोलते हो आप, ऐसा सुना है मैंने भी। नहीं, क्योंकि आपने जैसे वो सुनाया ना, तो मुझे सुनकर लगा कि आप अच्छी जानकारी रखते हैं उर्दू की। भाषाएं जो है ना, देखिए सर, ये एक और बहुत ही खूबसूरत बात है कि अपनी भाषाएं जो है वो जोड़ने का काम करती हैं। लोग इस चीज़ को भी कई बार जो है अपनी बात को समझ नहीं पाते, ये भी एक अपनी संस्कृति है, ये भी एक धरोहर है। लोगों को अन्य भाषाएं बोलनी चाहिए, हर भाषा के ऊपर लोगों को बात करनी चाहिए। अब देखिए, आप लोग अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट अर्ज करना चाहता हूँ, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। और अपना देश देखिए कितना विकसित देश है, कितना मतलब जो है धरोहर, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इसके साथ में संस्कृति मतलब जो है उसको भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि इतनी सारी संस्कृति अपने को विरासत में मिली है, अन्य भाषाएं अपने को विरासत में मिली है। पर आज आप देखिए ना कि आप अन्य अन्य क्षेत्रों में चले जाएँ तो लोग जो हैं कुछ क्षेत्रों के या कुछ जगहों के जो है अपनी भाषाओं में बात करना लोगों ने छोड़ दिया है, अपनी लोकल जो लैंग्वेजेस है उन चीज़ों को लोगों ने छोड़ दिया है। मेरे को समझ में नहीं आता है क्यों। अब आप इसका एक उदाहरण देखिए, देखिए संस्कृति अपने को सवाल का जवाब देती है और बहुत अच्छे से देती है। और जैसे कि मैंने कहा, अंग्रेजी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बोलनी चाहिए, इस कीमत पे नहीं कि आप हिंदी को छोड़ दीजिए, या हमारे यहाँ जैसे हम लोकल लोग राजस्थान के हैं, मेवाड़ के लोग हैं, तो हम मेवाड़ी बोलना छोड़ दें, अन्य राजस्थान के जो दूसरे लोग हैं मारवाड़ी शेखावटी इन चीज़ों को, या आप दूसरे शहरों की अगर अपन बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, अपन गुजरात की बात करें, इधर की बात
बात करें तो लोग जो है वो अपने भाषा से जो है वो प्यार करने चाहिए, लोकल भाषा को भी अपने को अपने साथ में रखना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें उसके साथ में अपने को मिलती है जिसका अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा है वो ए फॉर एप्पल पर शुरू होती है, जेड फॉर ज़ीरो पर जाकर ख़त्म हो जाती है। अब आप हिंदी भाषा को देखिए, अ से अनपढ़ पर शुरू होती है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर ख़त्म होती है। घर पर भी ये चीज़ें होती है, जैसे कोई लोग आ जाते हैं, बच्चे बात कर रहे हैं या कोई चीज़ चल रही है तो वो अगला आदमी अंग्रेजी में बात कर रहा है या कोई अन्य दूसरी भाषा में बात कर रहा है तो हमारे वाले लोग सहम जाते हैं। क्यों सहमना अपने को? बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छा। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, कोई ऐसा हिस्सा पैलेस का विच इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, आपको मन करता है कि आप एटलीस्ट वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक वहाँ जाओ और महसूस करें उस पूरे सीन को। नहीं देखिए, मैं मेरे बड़े भाई और जिनको मैं काफ़ी मानता भी जो हूँ और वो जो इस देश के एक बहुत ही बड़े कवि भी हैं, श्री शैलेश लोढ़ा, उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत बोली और वो ऐसी आत्मा में उतरी है ना, तो ये जगहों को लेकर जो सवाल होते हैं उसको जो है बखूबी समझाने के लिए, कहने के लिए वो जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अगर किसी शहर से या किसी जगह से आपको मोहब्बत करनी है ना, तो उधर किसी एक व्यक्ति विशेष से मोहब्बत कर लीजिए। तो अगर आपको कोई जगह अगर आपको पसंद करनी है तो आपका परिवार है ना, तो जब आप उनके साथ में हैं तो जो भी जगह आपके घर परिवार की होगी वो सब आपको विशेष लगने लग जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपका परिवार है, जहाँ आपके दोस्त हैं, जहाँ आपके दूसरे और अन्य जो लोग हैं उनके साथ में आप रहेंगे, घर के किसी भी आप चौराहे में खड़े होंगे या किसी भी जगह, ड्राइंग रूम में हो, बेडरूम में हो, चौक में हो, कहीं पर भी खड़े हों, उस जगह का आनंद ही आनंद है। उस जगह का महत्व ही कुछ और है जब आप उस जगह को अपने दोस्तों के साथ में, घर परिवार के साथ में बैठे, उसका आनंद और लुत्फ ही कुछ और हो जाता है। नहीं तो वही घर है जो कभी सूना भी लगता है और वही घर है जो कभी भरा भरा भी लगता है। दीवारें वही है, जगह वही है, मंजर वही है, माहौल बदल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमें काफ़ी लोगों ने ऐसा बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े अरसे से ऐसा चलता आ रहा है कि जो महाराणा है, ऐसा करके बोलते हैं, राजा है एकलिंग जी, और जो यहाँ महाराणा समय समय पर रहे वो सब कहते हैं कि हम आपके दीवान हैं। तो एक बार इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, ये ऐसी एक जगह है, जैसी धरोहर है, जिसने स्वयं को कभी राजा नहीं माना, जो हमेशा से इस चीज़ की परंपरा पे चले हैं कि जो राजा हैं, जो इस असली इस जगह के जो मालिक हैं वो श्री एकलिंग नाथ जी हैं, जो शिव जी को जो है हम लोग उनके आराधक हैं, तो सारी चीज़ों को जो है हम उनको मानते हैं। तो ये चीज़ जो है हम किसी के भरोसे पे यहाँ पे बैठे हुए, तो ये हमारी निजी नहीं। अच्छे एग्जांपल से आपने ये बात को एक्सप्लेन किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ मेरी निजी नहीं है, जिसके ऊपर मेरा जो है अधिकार केवल रखरखाव का है, उसके अंदर मैं इजाफा कर सकता हूँ, मैं कटौती नहीं कर सकता, मैं मेरी निजी जेब नहीं भर सकता हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ। तो जब ये आपके दिमाग के अंदर और मन के अंदर इस चीज़ के, इन चीज़ों को लेकर आपका मन साफ हो, तो क्या कहते हैं कि उस चीज़ को लेकर फिर आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब अपनी निजी चीज़ पे तो अपन अकड़ जाते हैं। किसी और की अमानत है, हाँ, जो हम देख रेख कर रहे हैं, किसी और की अमानत है जिसको हम देख रेख कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो आपको सारे गुण चाहिए, बल्कि आपको तो उसके अंदर, और अगर आपको कोई चीज़ वस्तु या कोई चीज़ आपको अमानत आपको कोई देखे गया तो आपकी कोशिश कर रही थी भाई जब वो वापस आए तो इसको मैं कैसे भी करके कुछ बढ़ोतरी करके ही वापस दूँ, तो उनको भी ये लगे कि नहीं, अगला आदमी भी खुश होगा कि भाई मैंने उनका जो है ना केवल उनके सामान को सुरक्षित ही नहीं रखा पर बनिस्पत उसके अंदर दो चीज़ों की मैंने जो है वो जोड़ने की भी कोशिश करी है और उस चीज़ को बढ़ाने की भी कोशिश करी। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आज के समय में ये कहना सही होगा कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब जस्ट एक शब्द अगर मैं बन जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँ। आज दो रोटी ज़्यादा खाऊंगा कि कम से कम आपने मेरे को यहाँ तक तो समझा कि हाँ मैं शायद एंटरप्रेन्योर हो सकता हूँ, कम से कम अगर यहाँ तक भी पहुँचे तो मेरी आज आपने जो है वो दो रोटी का जो खुराक है वो आज आपने मेरी बढ़ा दी। तो मैंने सवाल क्यों पूछा, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जॉब करता था जी। फिर मैं 2014 में जॉब छोड़ के अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, धीरे 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 हम लोग भी सेट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर तो जितने भी हैं सब की लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस रहते हैं। मेरे को एक बात बताइए ना कि इस पृथ्वी पर कोई आया है कोई इस चीज़ से वंचित रहा है? कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी चुनौती से कभी भी वंचित नहीं रहा है। हर की चुनौतियाँ होती हैं, किसी की भी चुनौती ना किसी से बड़ी है ना छोटी है, सबकी चुनौतियाँ अपने हिसाब से बहुत बड़ी हैं। बस अब ये है कि वो व्यक्ति विशेष उस चौराहे पे कैसे उस चुनौती का सामना करता है वो उस पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। उदयपुर टूरिज्म पे कुछ बात करते हैं। मेरी खुद की फैमिली में कुछ लोग हैं जो पास्ट में पिछले 2-3 साल में यहाँ पर आए और वो लोग बाहर रहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं पर, तो वो लोग आए और दिल्ली में उनका टोटल टूर प्लान था 10 दिन का, जिसमें से वो 5 दिन यहाँ पर स्पेंड करके गए और पहले से उन्होंने 1 साल पहले सोच रखा था उदयपुर जाएंगे घूमने के लिए। तो ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में भी और बाहर भी लोग एस्पायर करते हैं कि उदयपुर में आएँ और समय बिताएं।
यहाँ पर जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन मुझे महसूस हुई वो है वाटर बॉडीज जी। और वाटर बॉडीज में मैंने देखा कि बहुत सारे लेक्स हैं आपस में इंटरकनेक्ट हैं और बाद में जाके वो नदी को मिल जाती हैं। तो ये जो इंटरकनेक्शन वाला काम है, ये क्या हाल में पिछले 50-60 साल में हुआ कि पहले हुआ? मतलब थोड़ा मेरे को नॉलेज नहीं है इसलिए पूछा आपसे। क्या कहते हैं वो, नहीं देखिए इसमें बिना पानी के कभी भी कुछ फला फूला नहीं है। ये तालाब जो हैं अपने कब से बने? कौन थे? पिछोला, फतेह सागर, ये तो 15वीं शताब्दी का। आपस में इंटरकनेक्ट हो गए सारे, सारे के सारे जो है इंटरकनेक्टेड है। तो उसका वो एक मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में जो है, ये देखिए हमारे साथ में जो लोग यहाँ पर जो जगहों को दिखाते हैं और इस जगह के अंदर भी जो है ये लोग जान डालने का काम करते हैं। शायद हमारे घरों को आप लोग जो है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से कई बार जो है वो जानते हैं और कई बार बेहतर जो है वो समझा पाते हैं। पर इस चीज़ के अंदर देखिए हर व्यक्ति जब आया तो एक चीज़ तो इंसान को समझनी पड़ी कि बिना पानी के कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो फली फूली नहीं है। और पानी को संजो के रखना कितना ज़्यादा आवश्यक है, ये आज भी हम लोग इस चीज़ की अहमियत कहीं ना कहीं देखते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। तो ये जब तालाब जैसे बने, जैसे भाई साहब ने भी बताया कि देखिए 15वीं शताब्दी से कुछ उसके पहले कुछ उसके बाद हर व्यक्ति ने आकर अपनी तरफ से जो इजाफा करने की बात थी, जो जोड़ने की जो हम बात कर रहे थे कुछ चंद लम्हों पहले, तो उन्होंने भी जो है हर लोगों ने एक तालाब जोड़ने का एक प्रयास किया। क्योंकि पानी एक ऐसी कुदरत की दी हुई देन है हम लोगों को कि जितना उसको हम संजो के रखेंगे उतना जो है वो कम है और किसी भी प्रकार से जो है ये बर्बाद ना हो। तो इसी वजह से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जितना हम इस चीज़ को जो है संजो के रख सकते हैं उतना इस चीज़ का प्रयास किया गया है। और जो आबादी है, लोग हैं, केवल इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए तक भी जो है इन चीज़ों का इंतजाम करके जो है चीज़ें गई हुई है कि हर व्यक्ति विशेष, हर पशु, हर जानवर, हर जीव जो इस जगह के ऊपर उपस्थित है उसको इस चीज़ का लाभ मिले, फ़ायदा मिले। और जब लोग खासतौर के ऊपर राजस्थान की बात करते हैं और उदयपुर की बात करते हैं तो आके ढूंढने लग जाते हैं कि वो रेगिस्तान जो है वो कहाँ है। तो हम कहते हैं कि हम जो है थोड़ा हरा रेगिस्तान है हम। कल मैंने किसी को बोलते हुए सुना ये सवाल आपने जो बोली है ना, किसी टूरिस्ट के मुंह से मैंने सुना कि वो उदयपुर भी रेगिस्तान कहाँ पर है। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है जो कुदरत के माध्यम से जो है उसको इतना अच्छा जो है वो देन मिली है और लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि पानी को जितना हम संजो सके। और आज आप देखिए कि 500 साल पहले बने हुए तालाब आज भी 21वीं सदी के अंदर लोगों को जो है वो पानी प्रदान कर रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल। और अपन ज़्यादा दूर भी नहीं जाएं तो 1947 के अंदर उदयपुर की जो आबादी थी वो तकरीबन जो जनसंख्या थी वो 45 से 50 हज़ार थी। आज नहीं करते भी 7 से 8 लाख के बीच की जनसंख्या है और व्यवस्था हो के हुई है। तो आप देखिए 500 साल पुरानी सोच आज भी काम आ रही है। एक चीज़ और बताइए, ये तो मानना पड़ेगा उदयपुर में जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं और हम सराउंडिंग एरियाज़ में जा रहे हैं ना, तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोकल फूड एक्सप्लोरेशन टूरिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सिर्फ सिटी में नहीं, बाहर चले जाओ वहाँ पर भी जी। तो अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो आप 3 या 4 फूड आइटम्स ऐसे बताइए जो आपको लगता है कि टूरिस्ट को मिस नहीं करने चाहिए व्हेन विजिटिंग मेवाड़। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल बाटी से जो बढ़िया, और हर जगह अपनी दाल बाटी अपने ढंग से बनाती हैं। तो अगर आप ये कहें कि मैं राजस्थान के एक अन्य हिस्से में बैठा हूँ और वहाँ मैंने दाल बाटी खा ली, अब उदयपुर जाएंगे तो नहीं कोई दूसरी चीज़ खाएंगे, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ का स्वाद, यहाँ की जगह, यहाँ का जो एक तरीका तौर जो है बनाने का वो जो है वो अन्य जगहों से जो है वो बिल्कुल अलग है। तो दाल बाटी एक ऐसी चीज़ है जो वेजिटेरियंस को मतलब जो है बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, तो उस चीज़ को नहीं मिस करना चाहिए। और नॉन वेजिटेरियंस हैं तो यहाँ का जो एक लोकल मीट है लाल मांस के नाम से, वो भी जो है अन्य जगहों की तरह वो हर जगह के अंदर अपने अंदाज में बनाया जाएगा। तो ये दो चीज़ें ज़रूर है जो लोकली इंसान को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट हमने ऐसा भी नोटिस किया, मतलब अदर दिन दाल बाटी हम लोग यहाँ कचौड़ी खा रहे थे, उसमें भी बहुत फ़र्क है जी। जोधपुर का कचौड़ी वर्सेस उदयपुर का कचौड़ी, जी जी जी, टेस्ट में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आप पुराने शहर में जाएंगे तो हमारे यहाँ की एक लोकल पूड़ी है जिसका नाम है जखोलमा पूड़ी, तो वो अगर आप यहाँ पर शहर में जाएंगे तो कुछ जगहों की जो है कुछ चीज़ों के ऊपर अपनी बादशाहत है। अब ये चीज़ है ऐसी है जो आपको सिर्फ मेवाड़ में और उदयपुर में और पुराने शहर में ही मिलेगी, ये आपको अन्य शहरों के अंदर भी नहीं मिलेगी। चित्तौड़गढ़ में और नाथद्वारा में एक स्वीट खाई, उसका नाम था रबड़ी कमालपुआ जी, जी जी जी, और मुझे उन्होंने बताया कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान घूम लो इधर ही मिलेगा। हाँ, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उदयपुर से और ऐसी कुछ जो अन्य शहर हैं राजस्थान के, वो चीज़ें जो हैं उन्हीं के शहर की खासियत हैं, वो उन्हीं के शहर की ताकत है। तो ये अपने आप में और हर जगह के अंदर ऐसी आपको कोई ना कोई चीज़ मिलती जाएगी। हाँ, फूड एक्सप्लोरेशन के लिए काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी हमारे देश में पिछले 10-15 साल से मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत लोग हैं जो अभी स्कूल कॉलेज ख़त्म करके
एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं और अपने अपने फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो कुछ थॉट्स हैं या कुछ मैसेज फॉर एंटरप्रेन्योर्स? जैसे मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, हम ऐसे नहीं होते, हम वैसा होते, ये होते, आधा जीवन क्या, पूरा जीवन लोगों का इसमें निकल जाता है। जो करने का वक्त है वो अभी है और उसको करना चाहिए। सोच को घेरी मत करो, फैसले कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं होना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं बिल्कुल ही हर तरीके से जो है वो मैं अपनी दृढ़ता से जो है वो लगा हुआ हूँ, अपनी मेहनत से है जो मैं लगा हुआ हूँ और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे अगर आज की तारीख में एक व्यवसाय का शौक है, मुझे सेवा करने का शौक है, मुझे शिक्षा का शौक है, तो इन सब क्षेत्रों के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे फोटोग्राफी का अगर शौक है, मुझे पेंटिंग का अगर मुझे शौक है, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर आज भी काम कर रहा हूँ। लोगों से मिलने का अगर मुझे शौक है, नई संस्कृतियों के बारे में सीखने का शौक है, नई भाषाओं के बारे में जानने का मुझे अगर शौक है, तो ये काम मैं कर रहा हूँ और मैं बड़ी खुशी से कर रहा हूँ। और उसके लिए मेरे को ना मेरी पहचान, ना मुझे आम, ना खास कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे वो होने की ज़रूरत है जो मैं हूँ और उसे मुझे पहचानने की एक आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। तो वो काम आज हो रहा है और उसमें मैं बड़ा खुश हूँ कि क्या कहते हैं कि ये चीज़ें कर पा रहे हैं, नई चीज़ों को सीखने का, नई चीज़ों को देखने का, नए कार्य करने का, पुरानी चीज़ों को कैसे कुछ लोगों ने किया उसके ऊपर जानकारी हासिल करने का, बुद्धिजीवी जो ज्ञान जिन लोगों के पास में अच्छा है, कुछ चीज़ों को, कुछ क्षेत्रों को, कुछ विषयों को लेकर उनसे चर्चा करने का बड़ा अच्छा लगता है और वो काम आज हो पा रहा है। सूरत बात हो नहीं सकती मेरे मानने में कि सोच को इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर। बहुत बढ़िया। क्यों सोच को गहरी करो? सिंपल चीज़ें हैं सर। आदमी सोचता है कि कोई जादू की छड़ी होगी, कोई अलग कोई कॉम्प्लिकेटेड बात होगी, नहीं। सोच को इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर होने लग जाए। आप सोच को जितनी गहरी करोगे आप उतना जो है अपने अपना मनोबल गिराते चले जाओगे। आपको जो है वो अरे इसको करूँ नहीं करूँ, फिर एकदम जो है फिर आप आ जाओगे अरे नहीं 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 रहने दो उसको। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर ज़्यादा सोच रहे हो। अच्छी तरह से सोचो, लॉजिकली सोचो, अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति से जो उसका कोई जानकार हो उससे इसके बारे में बात करो, उनसे इस चीज़ के बारे में कोई इनपुट लो और कोशिश करो। एक्शन पे ज़्यादा करो राधा दिन सोचते रहो, सोचते रहो और 3 साल सोचने में निकल गए। अब इतना वक्त अपने को सोचने के लिए लगाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं। आप उसके ऊपर काम करेंगे, कहीं ना कहीं 2 चीज़ें सीखेंगे और देखिए जब तक अपन तीसरे कदम पर पहुँचेंगे तभी अपने को चौथा पाँचवा दिखेगा। अगर हम सोचें कि हम पहले कदम पर बैठे रहें और 11वीं मंजिल देख लें तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। बहुत बढ़िया। 3-4 कदम तो हमको भी चलने पड़ेंगे तब जाके अपने को 5वां 6ठा कदम दिखेगा। जब हम 6ठे 7वें कदम पर पहुँचेंगे तब जाके कहीं 8वां 9वां 10वां कदम दिखेगा। पर हम सोचें कि तो हम तो यहीं खड़े रहें और सब कुछ देख लें तो फिर तो हम कोई दिया हुआ वरदान ही होता जो हमको सब कुछ ही दिख जाता। फिर हमको किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होती। मानना पड़ेगा। आपकी उर्दू क्योंकि मेरे को अच्छी लगी तो इस इंटरेक्शन को एंड करने से पहले कुछ उर्दू में शेर सुना दीजिए। अब उर्दू का तो नहीं पता, इसके अंदर एक सोच बहुत अच्छी है। हिंदी उर्दू का दोनों का जो है शायद इसके अंदर कहीं ना कहीं मिलाप है और बहुत अच्छा है और वक्त को लेकर है। तो वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। ओ गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ऐसी चीज़ है जो आज के ज़माने में जो लोगों को, यूथ को, सबको जो है इस चीज़ की जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ की कदर करनी चाहिए और इसको जो है ऐसी चीज़ों को जो है हम लोगों को संजो के रखना चाहिए। ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी भी आएँ उदयपुर तो हमारे से मुलाकात ज़रूर करिएगा, बड़ा अच्छा लगा। आप यहाँ वक्त निकाला, आपने उदयपुर तक, उदयपुर को लोगों तक और पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ उदयपुर और बड़ी सारी मेमोरीज। इतना लंबा समय आप नहीं लगाएंगे वापस आने। हाँ, और बड़ी सारी मेमोरीज लेके जा रहा हूँ। ये है कि खुद पहली बार आया, अगली बार मैं 1-2 साल में फैमिली के साथ प्लान करूँगा। जरूर जरूर, और उस समय पे मुलाकात जरूर करिएगा। धन्यवाद। आज ही नहीं होता है तो रिकॉर्ड पे है। थैंक यू सो मच। वो रिकॉर्ड पे नहीं और आपको नहीं दिया। थैंक यू सो मच, मिलकर बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी जितनी मेहनत करी है। पीछे जितने लोग खड़े हैं शायद वो आपके दर्शकों को नहीं दिख रहे हैं, पर इन लोगों को भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी जो है मुझे झेला इतने वक्त तक परेशान हुए गर्मी में, इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इस समय मैं सिटी पैलेस में हूँ। कल सुबह मेरी यहाँ से वापसी है। 6 बजे चलेंगे 11:15 अजमेर, वहाँ मैं 3-3.5 घंटे रुकूँगा, फिर 3:45 की शताब्दी लेके मैं दिल्ली चले जाऊँगा। कैमरा टीम आज वापस जा रही है। अभी मैंने कैमरा टीम से आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इनसे भी जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस के top 3 या top 5 एक्सपीरियंसेस कौन से। सबसे पहले हम जीतू से बात करते हैं। हाँ जी जीतू जी, बताओ ये पूरा सफ़र जो हमने 12 दिन का किया है, top 3 बता दो या top 5 बता दो, फूड और साइट सीइंग मिला के 5 बता दो। पहले पे तो सिटी पैलेस और वो फतेह सागर लेक और उसके पीछे का जो होता है।
बोट राइडिंग उदयपुर की, उसके बाद कुंभलगढ़ फोर्ट और इनका दाल बाटी चूरमा, ये टॉप थ्री में मेरे बस। इसके अलावा मतलब मेमोरेबल ये है, बाकी सब सारे अच्छा पूरा राजस्थान। और जो वेदर है घूमने का ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अगस्त सितंबर ना, अगस्त सितंबर मतलब गर्मी में आते तो फिर ज़्यादा गर्मी रहती है, ठंड में आते तो फिर। ये तो सच है, जैसे अभी धूप में भी अगर हम ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे तो उतनी पिंच नहीं करेंगे जैसे दिल्ली में करती है। और बोट राइडिंग शाम के टाइम वो तो मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा मेरे को भी लग रहा है कि बोट राइड किसी ने नहीं करी ना तो आपने बड़ी चीज़ मिस कर। सिटी पैलेस आ गया बोट राइडिंग तो आपने कुछ नहीं करा फिर आके, लेकिन शाम के समय, शाम के टाइम है ना, या अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम, उसके पहले या बाद में कोई फ़ायदा नहीं उसको। चलो बहुत बढ़िया। चलो अभी उमेश से जानते हैं। आओ उमेश जी, बताओ भाई साहब आपके टॉप पाँच बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ये सिटी पैलेस और चित्तौड़गढ़ भी अच्छा था और कुंभलगढ़ भी अच्छा था और अपना बोट राइडिंग भी बड़ी अच्छी थी और अपना वो लास्ट में ये तो जीतू वाले रिपीट कर दिए। कुछ सेम यही है सर, मेन तो यही है, यही देखने के लिए। हाँ सही बात है। और जवई वाला भी अच्छा था। जवई, हाँ जवई में हमने सफारी करी थी, सफारी वो बहुत अच्छी थी। वो हिल रेट कैसी लगी? हिल बस वही बेस्ट थी उसमें तो, है ना। अगर लेपर्ड तो दिखा नहीं, नहीं तो वो भी शायद। जवई भी सही था, बाकी वेदर भी बड़ा अच्छा है। फूड में सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या पसंद आया? फूड में जो राजस्थानी थाली है ऑब्वियसली वही। चलो ग्रेट। अभी सागर से जानते हैं, सागर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सागर जी सेम क्वेश्चन, टॉप फाइव एक्सपीरियंसेस। सब अलग अलग है। फूड में स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, कचौड़ी बहुत अच्छी है, थाली सिस्टम यहाँ का बहुत बहुत अच्छा है। तो आई थिंक पर्टिकुलर बोलना तो सही नहीं है, लेकिन पालीवाल की कचौड़ी वाला मुझे बेस्ट लगा। बाकी अगर ओवरऑल साइट सीइंग के हिसाब से देखें तो बोटिंग से अच्छा कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड जवई पे हमने जो लेपर्ड सफारी करी है वो दैट्स ऑल्सो टॉप हाईलाइट। बाकी सिटी पैलेस तो मेन अट्रैक्शन था ही, और मेरे तो आपकी वजह से 6-7 चक्कर लग चुके हैं। तो मैं तो 6-7 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। सो अब तो काफ़ी नोन। अगर तुम अगर 10-15 बार और आ गए तो गाइड बन जाओगे यहाँ? नहीं नहीं, मैं गाइड से हाई हेलो मैंने इतना इतना देख लिया कि गाइड बन जाओगे। गार्ड मुझे हाई हेलो कर रहे थे, मैं आ रहा था 6-7 बार आ चुका, पहचानने लगे। करेक्ट। अच्छा और फूड बताओ, फूड में और क्या अच्छा? कचौड़ी बहुत अच्छी है यहाँ पे, थाली सिस्टम है जो बहुत ही सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। बाकी दाल बाटी एंड वो सब तो हमने ट्राई कराई है। जैसे आपने बताया ना, एक बहुत यूनिक चीज़ हमने ट्राई करी थी, रबड़ी का मालपुआ। हाँ। तो वो मैं याद रखूँगा। हाँ। कि कभी दोबारा आऊँ तो ज़रूर ट्राई करूँ। ये तो कहीं और नहीं मिलेगा? कहीं और नहीं मिला, और बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा हो सकता है। हाँ। फैंटास्टिक। और देखिए हम नाथ द्वारा भी गए थे, वो भी अपने आप में बड़ा सही था। क्या नाथ द्वारा में भीड़ बहुत थी ना, तो उस चक्कर से हमें वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं मिला दर्शन करने के लिए। कितना 10 सेकंड भी नहीं मिले होंगे, 15-20 सेकंड। हाँ, क्योंकि भीड़ रहती है तो ज़्यादा समय नहीं मिलता, वो आप आगे चलते रहते हो। यहाँ पर जगदीश टेम्पल करके है मंदिर, तो वहाँ पर भी हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स महसूस हुई, काफ़ी अच्छा लगा। करेक्ट है सर, मैंने आपको फर्स्ट डे जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा था, हमें वहाँ पे आई थिंक 20-25 मिनट शूट करना था, लेकिन हम लोग 2.5 घंटा रुके वहाँ पे। हाँ, टोटल टाइम हमें वहाँ 20-25 मिनट ही रुकने का प्लान था, लेकिन हम लोग 2 घंटे के आसपास बिताया। वो इतना पॉजिटिव था। हाँ। कि हमारा मन ही नहीं कर रहा था हम वहाँ से जाएं। हाँ, ये सिटी पैलेस के पास ही है जगदीश टेम्पल। चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया इनका इंडिविजुअल फीडबैक कि इनको क्या क्या बढ़िया लगा। बाकी सिटी पैलेस एक बार आप देख लो बाहर से कैसा दिख रहा है इस समय। ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है कि उदयपुर ना, इंडिया में तो लोग बोलते हैं उदयपुर को घूमने जाएँ, उदयपुर घूमने जाएँ, बाकी बाहर से भी बहुत लोग एस्पायर करते हैं कि हम उदयपुर आएँ। यहाँ पर एक्सपीरियंसेस अलग अलग एंगल से हैं। फॉर एग्जांपल फूड टूरिज्म, वाटर बॉडीज़ हैं, हिल्स देखने को मिल रही हैं, अरावली रेंज, तो कुल मिला के, और शॉपिंग भी होती है। हालांकि हमने ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन बांधनी साड़ी यहाँ की बहुत फेमस। देखो सामने लिखा ना, बांधनी साड़ी ड्रेस मटेरियल, ये पैलेस के अंदर ही कुछ शॉप्स हैं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग आते हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग परचेस कर लेते हैं। और सिटी पैलेस में अभी सीन ये है कि 300 रुपये लगता है टिकट का, लेकिन अगर आप शाम को आते हो अंधेरा होने के बाद, 7 से 9 एक बैच है, उसका टिकट शायद 800 रुपीज़ है। भैया 800 है, शाम को कितना है? 600 रुपये, उसका 600 रुपीज़ चार्ज है। तो शाम को क्या होता है ना, क्राउड कम होता है, आप गाइड के साथ अच्छे से सिटी पैलेस अंधेरे में अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो। बाहर तो लाइट एंड साउंड शो चल रहा होता है इसी जगह सामने ऊपर, है ना, यहाँ पर बैठ के लाइट एंड साउंड शो देखा जाता है। टाइमिंग्स वैसे इंग्लिश हिंदी शो दोनों होते हैं, लेकिन जब हम आए थे तब हिंदी शो हो रहा था। और अंदर आप अंधेरे मतलब अंदर लाइटिंग पूरी कर देते हैं, वहाँ पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी शाम के समय, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो चाहो तो। बाकी मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया। लास्ट थिंग,
उदयपुर में जो चीज़ आपको मिस नहीं करनी वो है रूफ टॉप डिनर एक्सपीरियंस। लंच तो नहीं, क्योंकि अभी गर्मी में कैसे आप लंच ऊपर जाकर करोगे, लेकिन आई एम श्योर दिसंबर के टाइम लोग लेक साइड पे रूफ टॉप ऊपर बैठ के भी लंच करते होंगे। और पूरा मतलब घाट सेक्शन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर आप रूफ टॉप ऊपर बैठो और ये एक्सपीरियंस लो। चलो फिलहाल यहीं पर बाय बाय कर देते हैं, आज शाम को मीटअप भी है 4 बजे। राइट, थैंक्स फॉर योर टाइम।